नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। शिवलिंग क्या होता है, इसकी पूजा क्यों की जाती है, भगवान शिव से इसका क्या संबंध है, क्या वेदों में कहीं शिवलिंग का उल्लेख है। जब ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग जैसी आकृति मिली तो सनातन विरोधी और हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने वाले एकजुट हो गए। महादेव की आकृति की तुलना फव्वारे से लेकर न जाने किन किन चीजों से की जाने लगी और सैकड़ों सालों की परिपाटी की तरह इस बार भी हिंदू शांत रहा, चुप रहा, मुंह पर ताला लगाकर महादेव का अपमान होता देखता रहा। विधर्मियों को लगता है कि ये सब करके वो शिव का अपमान कर देंगे। अरे महादेव का तो कोई अपमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो अविनाशी और अनंत है उसका अनादर भला ब्रह्मांड में कोई कैसे कर सकता है। विडंबना यह है कि हिंदू धर्म में भी बड़े वर्ग की यही धारणा है कि शिवलिंग का अर्थ है लिंग, यानी इंसानों का प्राइवेट पार्ट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। यानी लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उस सबसे पहला आकार इसने ही लिया था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो सबसे पहला आकार उसने जैसा लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त को हम लिंग कहते हैं और सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या लिंग के रूप में हुई। और वेदों से लेकर योग में भी ये मान्यता है कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाले बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग ही है। इसी तरह शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। अब इसे शिव का प्रतीक क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। शिव अनादि हैं। अनादि का मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई, और विज्ञान के नियम के अनुसार जिस चीज की शुरुआत ना हो और ना ही अंत हो वही अनंत है, इसलिए शिव अनंत है, जैसे कि इन्फिनिटी। शिवलिंग का भी एक रहस्य है। पुराणों के अनुसार शिव जब समाधि में जाते हैं तो अपनी समस्त चेतना को एक जगह समेट लेते हैं, तब उनका शरीर गोल पिंड के आकार का हो जाता है जो शिवलिंग का रूप बन जाता है। आज जो आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं वो वही जगह है जहां शिव लंबी समाधि में चले गए थे। शिव समाधि में जाते हैं तो नंदी उनके सामने बैठकर समाधि भंग होने का इंतजार करते थे, इसलिए जहां भी आपको शिवलिंग मिलता है वहां नंदी जरूर विराजमान होते हैं। शिवलिंग में सृष्टि के निर्माण के पांचों तत्व निहित हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, यानी आकाश, पानी, अग्नि, हवा और धरती। इसका मतलब है कि शिवलिंग में सृष्टि के सर्जन की सारी शक्तियां निहित है। अब आप इसको सिर्फ अपनी धरती से जोड़ कर ना देखिए, क्योंकि शिव जिस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उसमें हमारी धरती की तरह न जाने कितने ग्रह और धरती मिले हुए हैं, न जाने कितने सूर्य हैं, न जाने कितनी आग है और न जाने कितनी हवा। अनंत काल से ये अनंत काल तक बनी रहेगी, एक गैलेक्सी की तरह, एक आकाश गंगा की तरह। शिव को समझने के लिए आपको अनंत ब्रह्मांड के विस्तार को समझना पड़ेगा, क्योंकि शिव के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। इसका अर्थ हुआ कि अनंत आकाश में जो चेतना के रूप में मौजूद है और जो अपरिमित यानी कि जिसे मापा ना जाए, उस आकाश के चारों ओर छाया हुआ है, यानी आकाश के बाहर भी और आकाश के अंदर भी। शिव की जटा से गंगा जी निकलती है, गंगा जी मतलब पानी, और जटा के ठीक नीचे है शिव का तीसरा नेत्र, जहां से निकलती है भस्म करने वाली आग, मतलब शिव दरबार में आग और पानी एक साथ हैं। अब देखिए शिव के भाल यानी ललाट पर है चंद्रमा। चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं, सुधाकर मतलब अमृत देने वाला।
भाल पर अमृत और गले में विषधर सर्प, मतलब शिव दरबार में अमृत और विष भी एक साथ। गले में सर्प है और नीचे गणेश जी की सवारी चूहा, मतलब सांप और चूहा एक साथ। अब आगे देखिए, खुद शिव जी की सवारी बैल और माँ पार्वती की सवारी सिंह यानी शेर। इसका मतलब शिव के दरबार में बैल और शेर भी एक साथ है। अब आप कल्पना कीजिए कि कुदरत के इतने विरोधाभासी शक्तियों को शिव जी कैसे साध कर रखते हैं, मतलब उनके प्रभाव में परस्पर विरोधी भी प्रेम भाव से रहते हैं। सांप चूहे को नहीं खाता, मोर सांप को नहीं खाता और शेर बैल का शिकार नहीं करता। आग पानी का अस्तित्व नहीं मिटाता और पानी आग का वजूद नहीं मिटाता। विष और अमृत एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और यही शिव है और यही तो शिवत्व भी है। तो जो लोग शिवलिंग का अर्थ निकालते हुए अपने मन में विकारों पर काबू नहीं रख पाते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दिमाग की गंदगी थोड़ी साफ कीजिए। शिव जी को मनोज नशावन भी कहा जाता है। मनोज कहते हैं कामदेव को, और कामदेव को शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। इसका मतलब है कि शिव जी के अंदर किसी तरह का विकार नहीं है, इसलिए शिव जी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि शिवलिंग का अस्तित्व आखिर आया कैसे और प्रथम शिवलिंग की स्थापना कब और कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए भगवान ब्रह्मा। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई साल तक इन दोनों में युद्ध होता रहा। दोनों अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। तभी आकाश में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा उसे ही सबसे शक्तिशाली माना जाएगा, उसे ही सर्वशक्तिमान माना जाएगा। यह पत्थर शिवलिंग था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले। हजारों साल तक दोनों इस पत्थर का अंत ढूंढते रहे, लेकिन किसी को अंत ना मिला। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, इस पत्थर का तो कोई अंत ही नहीं। ब्रह्मा जी को भी उस पत्थर का अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि अगर वो कहेंगे कि उन्हें अंत नहीं मिला तो विष्णु को ज्यादा ज्ञानी समझा जाएगा, इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि उन्होंने इस पत्थर का अंत ढूंढ लिया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं ही शिवलिंग हूँ, ना मेरा कोई अंत है ना कोई शुरुआत। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिला और वही झूठ बोलने के लिए भगवान ब्रह्मा को दंड का भागी होना पड़ा और उन्हें ये श्राप मिला कि अब उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। हालांकि बाद में ब्रह्मा ने अपने आप को श्राप से मुक्त भी करा लिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, तो वहीं विष्णु को सृष्टि का रक्षक कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। हमने अपने प्रतीकों, देवी देवताओं और पवित्र स्थलों के बारे में अच्छे से पता होगा, फिर हमें कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को ये जानना, ये बताया जाना कि हम हिंदू हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों और साहित्य का क्या महत्व है, ये तो हमें पता ही नहीं। नहीं तो सनातन संस्कृति के बारे में विधर्मियों के साथ हमारे भाई बंधु भी मजाक उड़ाते रहेंगे। इसलिए मेरी विनती है, मेरे भाइयों और बहनों, महादेव और शिवलिंग के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करें और हिंदुत्व को बुलंद करें। यही तो है हिंदू अभिमान।